उत्तराखंड सरकार के पास पूरे सबूत आ गए, ये पहले से सुनियोजित था। और दूसरी बात है, ये अनायास कुछ भी नहीं था। यदि अवैध कब्जे का जहां तक सवाल है, मेरा तो ये कहना है केवल उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, तो सारे देश के अंदर ये अभियान चलना चाहिए, प्रत्येक प्रदेश सरकार को चलाना चाहिए कि जिसने भी अवैध कब्जे किए हैं उन पर से कब्जे हटना चाहिए। हल्द्वानी में जो भी घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है, तमाम पुलिस के लोगों को चोट आई है, कुछ लोग मरे हैं और बमों से क्या नाम हमला किया गया, पूरी तैयारी के साथ हमला किया है। तो प्रत्येक घर की खाना तलाशी होनी चाहिए और जिसके घर में कोई भी अवैध हथियार दस्तावेज मिलते हैं उनके साथ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है, दंगाइयों कोई जाति नहीं होती है, उन्हें गोली क्या नाम देखते ही गोली मारने के सख्त आदेश होना चाहिए और ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की हरकत करने की कोई जरूरत न कर सके। देखिए इस प्रकार के जो कृत्य करते हैं उनके तार जो है विदेशों के साथ जुड़े हुए हैं, इस देश की जो शत्रु ताकतें हैं उनके इशारों पर नाचते हैं, उनको फंडिंग होती है। तो ऐसे ये तो सुनिश्चित है कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है इस देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ करके, सांप्रदायिकता सद्भाव को तोड़ करके और देश की एकता को खंडित करके वो अपने मंसूबे पूरा करना चाहते हैं, इसके लिए विदेशी फंडिंग हो रही है। तो लेकिन ये सरकार को इस पर जो है कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए।